बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बताते चलें कि मौजूदा हुकूमत से तंग एक खातून ने इमरान खान को हटाने का मुनफरिद तरीका बता दिया। खातून का कहना था कि इमरान खान को छुरी फेर दो और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर नहर में फेंक दो, इसने कोई काम नहीं किया। जी हाँ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार में आने के बाद कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलात में सबसे बड़ी और अहम मुश्किल मुल्की मईशत को संभालना और इसे अपने पाँव पर खड़ा करना था, जिसकी वजह से बैरून मुल्क और IMF से कर्जा लेना पड़ा, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह में भी इजाफा हुआ। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है, लेकिन इंसान बहुत बेसब्रा है, इससे किसी चीज का भी सब्र नहीं होता। यही वजह है कि मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को मौजूदा हुकूमत से बदज़न कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में भी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद देखने में आई। हाल ही में निजी टीवी चैनल से बात करते हुए एक खातून ने मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की और इन्हें हटाने का मुनफरिद तरीका भी बता दिया। खातून का कहना था कि इमरान खान को तो वैसे ही छुरी फेर देनी चाहिए, जैसे एक कसाई गोश्त के टुकड़े करता है वैसे ही इमरान खान के भी टुकड़े करके नहर में फेंक देना चाहिए। खातून ने कहा कि इमरान खान ने सारे ही सियासतदानों को पकड़कर जेल में डाल दिया है, तो अब लीडर कहां से आएगा। उन्होंने इमरान खान की जाती जिंदगी पर भी तनकीद की और कहा कि इमरान खान सिर्फ शादियां कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। खातून ने कहा कि जिनको इमरान खान चोर कह रहा है, इनको तो हमने वोट दिया है, हम भी फिर चोर ही हुए, फिर तो हमें भी पकड़ना चाहिए। खातून ने कहा कि पहले जो लोग थे, बेशक वो खुद भी खाते थे, लेकिन हमें भी तो खाने के लिए देते थे। इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए, हमने तो अपनी ही मेहनत करके खानी है, हमें किसी ने कुछ नहीं देना। खातून ने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने सबकी जान निकाल दी है, अगर इमरान खान मेरे सामने आया तो मैं इसको नहर में फेंक दूंगी। नाज़रीन, क्या इस खातून को इमरान खान के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए थी? अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।